आज हम एक बहुत जो विशेष जो बात है साहित्य की और जो कविता की और परीक्षा की दृष्टि से, मैं डॉक्टर प्रकाश चारण, वो जो नई कविता है, जो नया ट्रेंड है और जो विद्यार्थी को या प्रतियोगी को जो सबसे ज्यादा उलझन में डालता है, उस बिंदु पर बात करूंगा। देखिए, छंदबंद कविता थी तो छंदों में बंधी हुई कविता थी, उस कविता का मिजाज अलग होता है, उस कविता में भाव में विरोध पैदा नहीं होता, आप लय में भाव को पकड़ लेते हैं और वहां अर्थ ग्रहण में भी ज्यादा संकट नहीं है, समस्या नहीं है। कई शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं, फिर भी हम कविता को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से उसको पकड़ लेते हैं। और इसीलिए भावों को आच्छादित कर लेना, भावों में एक तरह से उसको बंध जाना, छंद की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। लेकिन जब नई कविता आई, नवी कविता का तेवर जो था वो अलग था, एक तरह से कह सकते कि गद्य की कविता थी, गद्य है वो। तब फिर हमें क्या पकड़ना, देखिए कविता कविता है, मैं फिर कह रहा हूं कि बिना छंद के कोई कविता नहीं हो सकती, तो फिर इसमें छंद कहां है, इसी बिंदु पर बात करेंगे। बात यह है कि कविता में छंद है, लय है, आच्छादन है, भाव का प्रकटीकरण है, लेकिन उसको हमें पकड़ना कैसे है, उसकी शैली दूसरी है, उसका तरीका दूसरा है, उसको समझने की आपकी जो अब तक की जो रीति थी उससे उस कविता को नहीं समझा जा सकता। और ऐसे में जो नए प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोग धर्मी कवियों में से एक कवि है शमशेर बहादुर सिंह। उनकी कविता उषा जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, और ये कविता जब हम समझेंगे तब एक चीज जो सारी कविताओं के बारे में, नई कविताओं के बारे में हमारे सामने आएगी, वो बहुत अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगी, बिंब धर्मिता। बिंब क्या है? बिना बिंब के अर्थ को, बिना बिंब की प्रवृत्ति को, बिना बिंब की प्रकृति को, बिना बिंब को समझे इस कविता को नहीं समझ सकते। बिंब क्या है? बिंब शब्द चित्र है। कैसे? जब शब्द जो है चित्र रूप में हमारे सामने गतिमान होते जाते हैं, बिंब होता है। एक तरह से किसी पदार्थ, किसी वस्तु का आंतरिक सौंदर्य जो है, भीतर का जो रूप है, उसका प्रकटीकरण बिंब है। अप्रस्तुत को प्रस्तुत कर देने का जो विधान है वो बिंब है। और वो कैसे है? अब देखिए किस तरीके से कविता की प्रकृति, कविता का स्वभाव ही जो जगत में है उसे अपनी कल्पना से नए रूप में सृजित कर देना, एक नए भाव और नए अर्थ में गढ़ देना ही तो कविता का स्वभाव है। कविता सदैव नई रहती है, नूतन रहती है, कविता कभी बासी और पुरानी नहीं होती है। तो ऐसे में देखिए शमशेर बहादुर सिंह की जो उषा कविता है, उस कविता को समझने, छोटी सी कविता, आप देखिए कविता का मिजाज, गद्य में कैसे कविता का मिजाज आता है। और वो ये कविता कोई ऐसी कविता नहीं है, यह वो कविता है जो ये बताती है कि शमशेर बिंब धर्मी कवि थे। पहला प्रश्न यही बनेगा कि शमशेर ने की जो उषा कविता है उसमें जो बिंब विधान है, उस बिंब विधान को बिना जाने इस कविता की भाव को, उसके सौंदर्य को हम कतई नहीं समझ सकते। और इस दृष्टि से देखिए बहुत कम शब्द, बहुत छोटी सी कविता, लेकिन उस कविता में जो लय बनेगी, जो कविता उषा के जो दृश्य को जो साकार रूप में लेकर आएगी, वह बड़ा मार्मिक होगा। और तब हम जानेंगे कि उषा क्या है। देखिए कैसे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चोका, ब्रैकेट में अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और डॉट 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 जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। कविता तो बस इतनी है, लेकिन इस कविता में जो दृश्य बिंब बने हैं, जो ऐन्द्रिक बिंब बने हैं, उन बिंबों का सौंदर्य, वो शब्द चित्र, अप्रस्तुत का प्रकटीकरण, वही इस कविता की
सबसे बड़ी ताकत है और वही इस कविता को पाठक के भीतर जाकर पाठक को एक रस की, एक आनंद की, एक अनुभूति करवाती है। कैसे? देखिए, अब हमारे सामने दृश्य बनेंगे। पहला, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख। अब जो नभ था बहुत नीला शंख, बहुत नीला शंख एक दृश्य बिंब बना, नीला शंख बहुत, इसका अर्थ क्या है? रात की कालीमा अंधेरा अधिक मात्रा में है और नीलिमा, अब देखिए अधिक मात्रा में है लेकिन पूर्णतः वो काला नहीं है। अगर पूर्णतः काला होगा तो रात होती, भौर का नभ नहीं होता वो। तब कवि ने बहुत नीला शंख प्रयुक्त किया। फिर दूसरा, राख से लिपा हुआ चोका अभी गीला पड़ा है। अब वो दृश्य देखिए, ये ग्रामीण जीवन का एक बहुत सुंदर बिंब विधान में गढ़ा हुआ दृश्य है। ये शहरी नगरी जीवन में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब दृश्य को आप अपनी कल्पना में, मानस में ले जाकर देखिए कि जिस प्रकार चूल्हा और चौका जो होता है उसको उसको जो गीली राख से उस पर लीप दी जाती है, तो आप दृश्य देखना, वो जब तक गीली रहती है तो उसमें जो रंग परिवर्तन है, जो हल्की जो उज्ज्वलता और सफेदी आने वाली है वो नहीं आ पाएगी और अधिक नीलिमा ही उसमें प्रकट होगी। इसीलिए कवि ने क्या किया, राख से लीपा हुआ चौका, जो किसी चौके पर जैसे कोई राख लीप दी गई हो, और अब वो दृश्य सिर्फ लीपी हुई नहीं है, अभी गीला पड़ा है, यानी जो सूखने के बाद जो रंग आना था वो रंग अभी नहीं आया। इसका मतलब क्या है, जो पहले वाला जो रंग था वही अपनी बहुतायत में प्रबल रूप में है। इसलिए ब्रिकेट में ये कविता नई कविता का मिजाज है, आपने ब्रिकेट में वो चीज बताई है, अब उसमें हमें उस मानस लोक में, उस कल्पना में हम उसको पकड़ पाएंगे। तीसरा बिंब, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। अब फिर देखिए दृश्य बिंब क्या बनेगा, जैसे कोई बहुत काली सिल हो और उस पर लाल केसर मल देगी। अब लाल केसर में क्या हुआ, देखिए कालापन जो है कालापन ही रहेगा, उस पर लाल रंग क्या है, अब लाल रंग आया, उसमें प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर्स में आता है रेड। अब देखिए कवि ने बिंब जब बनाया तो बिंब शब्द चित्र जो गढ़ा उसमें कितनी सूक्ष्मता और कितनी एकदम गहराई और कितनी समझ का प्रयोग किया है कि ऐसा लगता है उस काली सिल पर जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई, काली सिल पर जैसे उस पर लाल केसर से धोया जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, न तो लाल ने अपना रंग बदला है न काले ने अपना रंग बदला है, दोनों ही अपने अपने रूप में विद्यमान है, लेकिन लालिमा बह रही है और कालीमा स्थिर होती जा रही है, तो कालीमा के ऊपर लालिमा का बहाव हो रहा है, जो लालिमा अधिक प्रबलता की ओर बढ़ती जा रही है। यह दृश्य बिंब बना। फिर अगला, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब देखिए वहां बिंब का सौंदर्य क्या बनेगा, वहां बिंब का सौंदर्य बनेगा कि जैसे स्लेट, अब रंग की जो कालीमा थी, जो कालापन था, बहुत कम हो गया है, अब स्लेटी रंग में आ गया है। इसका अर्थ क्या है, ने नीला ने काला, स्लेटी। अब उस पर जैसे लाल खड़िया चाक, जैसे हमारे यहां अगर उसी तरीके से कहे तो ईंट जो है उसको रगड़ दिया गया हो, इसका अर्थ क्या हुआ, स्लेटी रंग के ऊपर जैसे वो लालिमा जब रगड़ दी गई, इसका मतलब लालिमा उसके ऊपर और अधिक, कालिमा पर तो अलग कालिमा दिख रही थी लेकिन यहां स्लेटी रंग के ऊपर लाल रंग जो अगर रगड़ा गया, इसका मतलब क्या, वो घुस गया अंदर, वो अंदर उसके ऊपर चढ़ गया है, वो रंग चढ़ना शुरू हो गया। अर्थ क्या हुआ, अब भोर का जो नब था उसका जो कालापन था उसका अंधकार जो था उसकी कालिमा थी बहुत कम होने लगी है और लालिमा अरुणिमा अधिक प्रबल होने लगी है, होने लगी है एक एक बिंब से। फिर अगला देखिए, नील जल में या किसी की गौर झील मिल दे है जैसे हिल रही हो। और अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो उषा है, ये उषा नील जल में, नीले जल में जैसे किसी की गौर झिलमिल देह है, अब यह तो झिलमिलाती हुई देह है, इसका अर्थ क्या है, जो जल की नीलिमा, अब सत्य ये कविता का बिंब यहां बनेगा, जल में कोई नीलिमा नहीं होती है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसी जैसा, इसका अर्थ क्या हुआ, अब वो, लेकिन दृश्य बिंब में यह हुआ कि वहां
जो रात का जो प्रभाव था वहां, वो जो नीलिमा का जो अंश प्रबल था वो यहां प्रकट हो रहा है। जो प्रकट हो रहा है तो ऐसे लग रहा है अब उसके ऊपर गौर झिलमिल दे है, हेमवर्ण अरुणिमा पूर्ण। ये अर्थ समझने की बात है कि गौर का मतलब सफेद नहीं होता है, गौर का अर्थ हेमवर्ण होता है, उज्जवल, हेमवर्णी यानी अरुणिमा युक्त। अब ऐसे में ऐसा लगता है जैसे उस नीले जल में किसी की गौर झिलमिल दे हिल रही हो, हिल रही हो मतलब अब क्या हो, अब दृश्य टिक नहीं पा रहा है, वो हिलने लगा है दृश्य, अब क्या है? हिलने लगा, क्या नीला जल भी हिल रहा है और उसमें गौर झिलमिल देह भी हिल रही है। जब पर्दा हिल रहा है इसका मतलब क्या, कुछ परिवर्तन होने वाला है। ऐसे वो उस स्थिति में कवि ने वो बिंब गढ़ा जैसे नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह हिल रही हो। अब वो जो हिलने वाली प्रक्रिया थी वो क्या थी, वो उषा के दृश्य में सूर्य उदय के खुलने की अवस्था थी। और देखिए अब फिर कवि ने आगे क्या लिखा, और डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ क्या है? कवि कह रहा है कि कोई बिंब और बन सकता, कोई दृश्य मेरे आप में और आ रहा होगा, लेकिन इसको इतना ही कहा कहा जा रहा है, यानी इतने से सूक्ष्म उस क्षण को कवि ने जिन बिंबों से गढ़ा और आगे छोड़ दिया कि कुछ इसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो खुद अपनी कवि की अपनी सीमा है, जहां वो डॉट डॉट लगा करके कविता को एक सौंदर्य प्रदान करता है। ये नई कविता का मिजाज है, कभी ब्रेकिट में, कभी शब्दों के गैप से, कभी डॉट डॉट से, जो उसका इनर, जो आंतरिक सौंदर्य है वो प्रकट हो रहा है। और वो प्रकट हो रहा है तब देखिए, तब हम इसकी भी एक अपना मूल्य है, वो भी अपनी एक शैली है, तब हम इस कविता को समझेंगे। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। और कवि ने फिर कहा कि जो जादू, जो माया, जो उषा का जो एक आकर्षण जो था, जो बिंब जो बन रहे थे, अब वो जो हिल रहा था, झिलमिला रही थी, अब सूर्य उदय हो गया है और उषा का जो जादू था अब टूट गया है। यानी अब तक जो दृश्य बिंब जो जादुई रूप में मेरे सामने आ रहे थे वो अब जादुई रूप में नहीं होकर सब कुछ खुला हो गया है और सूर्य उदय खुल गया है। इसका मतलब अब जो है सवेरा हो गया है। अब इस तरंग में इस कविता को आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ये जब ये बनाएगा ये बताती है कि शमशेर कैसे बिंब धर्मी कवि थे, बिंबों को कैसे गढ़ते थे। और बहुत मार्मिक बात शमशेर बहादुर सिंह के बारे में दूधनाथ सिंह ने कही थी कि शमशेर जब बिंब को गढ़ते हैं, शमशेर जब बिंब को रचते हैं, शमशेर के बिंब जो है वो इस तरीके के होते हैं कि आने वाले कवियों के लिए उस बिंब में कोई संभावना नहीं छोड़ते हैं। यानी उसके बाद वो जो शमशेर के गढ़े हुए बिंब जो है, शब्द चित्र है, वो शमशेर के होकर रह जाते हैं। वो इतनी गहराई में और इतनी बारीकी में उस बिंब धर्मिता को सृजित करते हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ी जो बात थी, उषा कविता एक बिंब धर्मिता की कविता है, शमशेर के बिंब धर्मी होने का प्रमाण है। इस प्रकार से जब हम नई कविताओं को समझेंगे, जब हम केदारनाथ सिंह की कविता को देखेंगे, जब हम कुंवर नारायण की कविताओं को देखेंगे, जब हम नई कविताओं को, नए अंदाज को, नए तेवर को देखेंगे, तो उन्हें उसी अंदाज और उसी तेवर में देखना पड़ेगा। क्योंकि ये यहां से शुरुआत करने का मेरा उद्देश्य यह था कि हम ये जाने कि जो शमशेर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बात ही नहीं, बात बोलती है, बात बोलेगी। ये बात का बोलना क्या है? बात का बोलना ये है कि भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, यानी सिर्फ भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, कभी कभी भाषा हमसे भी बात करती है। हम ही भाषा से बात नहीं करते हैं, कभी कभी भाषा भी हमसे बात करते हैं। यानी जैसे भाव होगा उसके अनुकूल अगर शब्द नहीं आया तो फिर हमारा बोलना, हमारा सृजन किसी काम का नहीं है। इसलिए बात बोलेगी जब अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से ही जो कविताएं हैं, जिस प्रकार शमशेर बहादुर सिंह पर जो प्रभाव है पाश्चात्य, जो एजरा पाउंड का प्रभाव है, जो उनके जो सबसे पहले जो उन्होंने एक जो टेनिशन की कविता पढ़ी थी और उसका जो प्रभाव पड़ा था लोटस ईटर्स, वो जो प्रभाव पड़ा था वो कैसे आया था धीरे धीरे निकल करके, और
शमशेर किस प्रकार से कवि रूप में आए, ये जो बिंब धर्मिता शमशेर की, ये जो प्रयोग धर्मिता शमशेर की है, ये जो शमशेर की जो चिंतन में प्रगतिशीलता है वो कैसे निखर के आती है, ऐसे हम इस दृश्य को समझ सकते हैं, इसी प्रकार से हम इन कविताओं को समझेंगे। इसलिए आज बस इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।